दोस्तों नमस्कार मैं हूं यासुब रिजवी और आपने इस वक्त देखना शुरू कर दिया है लाइव टेन न्यूज स्वागत करता हूं आपका आपको बता दें बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अंतर्गत इंटरमीडिएट की परीक्षा एक फरवरी से यानी आज से शुरू होने जा रही है हम अपनी पूरी टीम की तरफ से उन सभी छात्रों को शुभकामना देते हैं जो इस बार परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं इस परीक्षा से जुड़ी ये खास खबर हम आपको बताने जा रहे हैं और साथ साथ ये भी बताने जा रहे हैं कि इस बार विभाग ने सभी छात्रों को क्या बड़ी राहत प्रदान की है आपको बता दें बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने शीतलहर को ध्यान में रखते हुए परीक्षार्थियों को जूता मोजा पहनने की इजाजत दे दी है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष श्री आनंद किशोर जी के अनुसार ये फैसला छात्रों के हित में लिया गया है परीक्षार्थी जूता मोजा पहनकर केंद्रों पर परीक्षा दे सकते हैं आपको बता दें इंटर की परीक्षा एक फरवरी से तेरह फरवरी तक आयोजित की जाएगी परीक्षा को लेकर समिति ने पूरी तरीके से तैयारी कर ली है आपको बता दें शनिवार से परीक्षा कंट्रोल रूम ने काम करना शुरू कर दिया है इस वर्ष की अगर बात करें तो इस वर्ष परीक्षा के लिए राज्य में एक केंद्र बनाए गए हैं इन केंद्रों पर तेरह लाख पचास हजार परीक्षार्थी परीक्षा देंगे परीक्षा केंद्रों से 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लगाने का निर्देश दिया है सभी परीक्षा केंद्रों के मुख्य द्वार पर डंडा अधिकारी और पुलिस बल की तैनाती की जाएगी साथ ही दोस्तों आपको यह भी बता दें कि सीसीटीवी की जद में होगी परीक्षा सीसीटीवी कैमरा लगाने के साथ साथ परीक्षा केंद्र की वीडियोग्राफी कराई जाएगी एक बेंच पर दो परीक्षार्थी बैठकर परीक्षा देंगे और सभी को मास्क लगाना अनिवार्य होगा आप बने रहे लाइव टेन न्यूज के साथ तमाम खबरें हम आपको देते रहेंगे उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए नमस्कार इलेक्ट्रॉनिक्स के मार्केट में धूम मचाने आ गया है आपके शहर से वान में आरबी लाइट हाउस जहाँ पर आपको मिलेगी हर प्रकार की नंबर वन ब्रांडेड आइटम जिसमें झूमर लैंप बेड लैंप गेट लैंप झालर बत्ती मॉडलर स्विच सरफेस लाइट के साथ साथ अन्य सभी प्रकार की फैंसी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स सस्ते और उचित दामों पर उपलब्ध है तो फिर देर किस बात की आज ही आइए आरबी लाइट हाउस बड़ी मस्जिद के पीछे कागजी मोहल्ला रोड सिवान हमारा संपर्क नंबर है सात शून्य नौ एक तीन एक आठ चार पांच पांच